हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मर्जर्स एंड एक्विजिशन के बारे में। ये क्या होते हैं, इनके क्या एग्जांपल होते हैं और एचआरएम के अंदर इसका क्या यूज़ होता है, तो इन सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास में दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। तो सबसे पहले हम मर्जर्स के बारे में बात करते हैं। हालांकि यहाँ पर मैंने सब कुछ रिटन में लिख करके रखा हुआ है, बट एक बार मैं पहले ही आपको वर्बली बता देता हूँ कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तो मर्जर्स के बारे में बात करें तो जैसे यहाँ पर नाम से क्लियर हो रहा है कि जब दो एंटिटी यानी कि जब दो अलग अलग चीज़ें आपस में मर्ज करती हैं, यानी मर्ज का करने का क्या मतलब होना कि ज्वाइंट होना, लिंक्ड होना, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मर्ज करना बोल रहे हैं। तो जब भी हम कंपनियों के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, सपोज दैट कि कोई कंपनी ए है और कोई कंपनी बी है, ठीक है, ये दो कंपनियां हैं, और जब दोनों कंपनियां आपस में क्या कर देती हैं, इंटीग्रेट हो जाती हैं, आपस में क्या हो जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं या फिर आपस में लिंक हो जाती हैं और दोनों मिल करके कोई एक नई कंपनी बना लेती हैं। सपोज दैट कि ए इन लोगों ने मिल करके कोई एक कंपनी ए भी बनवा ली, बना दी, ठीक है। तो अब इसको क्या हो गया, इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, मर्जर्स बोल रहे हैं, यानी कि जब दो कंपनियां या दो से ज़्यादा कंपनियां आपस में मर्ज हो रही हैं या फिर ज्वाइन हो रही हैं, लिंक्ड हो रही हैं आपस में और कोई नई कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मर्जर्स बोल रहे हैं। तो अब कंपनियां ये एक्चुअल में करती क्यों हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपनियां लॉस में जाती हैं। जैसे आप वोडाफोन का आप लोगों ने एग्जांपल देखा होगा, वीआई, उन लोगों ने क्या एक नया सिम को लॉन्च किया है, वीआई, ठीक है, तो वोडाफोन और आइडिया है ना। तो जब कंपनियां क्या होती हैं, लॉस में जाती हैं या फिर उनके पास में उतने ज़्यादा मान लो रिसोर्सेज नहीं हो पाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा उनके पास में कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की कमी होती है बेसिकली। तो दो लोग जब दो कंपनियां आपस में इंटीग्रेट कर लेती हैं और जब दो लोग इंटीग्रेट करके कुछ नया फॉर्म करते हैं तो वो अच्छे से आगे बढ़ सकती हैं। तो देखते होंगे कि जैसे पहले वोडाफोन आइडिया का इतना ज़्यादा कौन आइडिया को पूछता था, कोई आइडिया को अभी तक पूछता था, यानी कि BSNL वगैरह ये सब कोई मतलब ज़्यादातर नहीं पूछे जाते थे। तो यहाँ पर जब दो लोगों ने आपस में इंटीग्रेट कर लिया तो अब इनका जो भी है वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ये अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों, बेसिकली मर्जर्स का कॉन्सेप्ट होता है। और साथ ही साथ में ज़रूरी नहीं कि कंपनियाँ लॉस में जा रही तभी इस चीज़ को वो अडॉप्ट कर रही, कई बार कंपनियाँ अपने आप को मार्केट के अंदर ज़्यादा कंपिटेटिव दिखाने के लिए, ज़्यादा क्योंकि अच्छा परफॉर्म करने के लिए भी इंटीग्रेट आपस में हो जाती हैं। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, मर्जर्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है एक बार देख लेते हैं कि मर्जर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि वेन टू और मोर कंपनीज ज्वाइन टूगेदर और टू बिकम वन, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपनियां आपस में मिल करके एक नई कंपनी बना लेती हैं, इंक्लूडिंग देयर एम्प्लॉयज, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर रिसोर्सेज, सभी लोगों के क्या हो जाते हैं, आपस में इंटीग्रेट हो जाते हैं, तो इसी को हम मर्जर्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप देखो, जैसे कि कंपनी ए है, कंपनी ए के पास में काफ़ी सारे रिसोर्सेज होंगे, जैसे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके एम्प्लॉयज हो गया, उसकी मशीनरीज हो गया, उसका रॉ मटेरियल हो गया, ये सारा चीज़ अब कंपनी बी भी क्या कर सकती है, यूज़ कर सकती है, और कंपनी बी के पास में जितने रिसोर्सेज हैं वो कंपनी ए भी यूज़ कर सकती है। तो अब हम एचआर के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करते हैं तो अब जब कंपनियों ने दोनों लोगों ने आपस में मर्ज कर लिया है तो अब ये नहीं होगा, पहले क्या था कि कंपनी ए के अलग कोई रूल्स थे, ठीक है, कंपनी बी के अलग कोई रूल्स थे, लेकिन अब जब मर्ज हो गई है, दोनों कंपनियां आपस में मर्ज हो गई, तो उन लोगों ने जब नई कंपनी एक फॉर्म कर ली है तो इससे क्या होंगे कि इससे जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उन सभी के लिए नई पॉलिसीज़ आएंगी, नए रूल्स बनेंगे और नए तरीके से उनको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो इट रिफर्स टू द कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू अ सिंगल एंटिटी, यानी कि अलग अलग तरीके से जब दो लोग आपस में मिलकर के कुछ नया परफॉर्म बना रहे हैं तो सारे के सारे जो भी रूल्स भी होंगे वो क्या होंगे, वो भी नए होंगे, ठीक है, अपना अपना नहीं चलेगा कि कंपनी एक एम्प्लॉयज इधर ये अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, वो अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, सभी लोगों के लिए एक ही रूल को ही बनाया जाएगा, सिंगल एंटिटी को ही फॉलो करेंगे, सिंगल रूल को ही फॉलो करेंगे, ठीक है, कॉमन रूल्स होंगे। तो इसको ही हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, मर्जर्स। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर एक्विजिशन के बारे में। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसा नाम से क्लियर होता है कि एक्वायर करना या फिर परचेज कर लेना या फिर हायर कर लेना, ठीक है। जैसे कि कंपनी ए है, कोई भी कंपनी ए है, तो अब कंपनी ए के पास में मान लो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे पैसे हैं, और कंपनी बी सपोज दैट कि कहीं ना कहीं लॉस में जा रही, तो कंपनी ए क्या कर सकती है, कंपनी बी को क्या कर सकती है, हायर कर सकती है, ठीक है। तो अब कंपनी बी के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कंपनी ए का हो गया, तो उसको हायर कर लेना, परचेज कर लेना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों,
एक्विजिशन बोलना है, यानी कि जब हम कोई भी कंपनी को दूसरी कंपनी को हायर कर लेते हैं तो इसी को हम क्या बोलना है, एक्विजिशन बोलना है, यानी एक्वायर कर रहे हैं, परचेज करने को। तो ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि एक्विजिशन का मतलब ये होता है रिफर्स टू द वन कंपनी परचेजिंग अनदर कंपनी। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है, ठीक है, तो उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, एक्विजिशन बोल रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स वन कंपनी बिकमिंग द ओनर ऑफ द अदर अनदर कंपनी। सपोज दैट कि जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना कि कंपनी ए है, कंपनी ए ने क्या कर लिया, बी कंपनी को हायर कर लिया, तो कंपनी ए क्या बन गई, कंपनी बी की ओनर बन गई, और कंपनी बी क्या हो गई, एक तरीके से सर्वेंट हो गया, फिर उसकी उसको उसके लिए काम करने वाली कंपनी ए बन गई, बी बन गई। ठीक है, तो यही इसी का ये कॉन्सेप्ट होता है एक्विजिशन का, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को बेसिकली परचेज कर लेती है या फिर हायर कर लेती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मर्जर्स का हमने आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाया, एक VI का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, इसी तरीके से मारुति उद्योग लिमिटेड एंड सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन, दो अलग अलग कंपनियाँ थी और इन दोनों लोगों ने मिल करके मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड बना लिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर HRM का क्या काम था कि HR लोग जो भी थे, HR टीम्स प्लेड अ वाइटल रोल इन अलाइनिंग HR प्रैक्टिसेस एंड इंटीग्रेटिंग द एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूटिंग द सक्सेस ऑफ द ग्रोथ। ठीक है, तो यानी कि HR का क्या काम था, HR का ये काम था कि सभी, जब दो कंपनियां आपस में मारुति उद्योग लिमिटेड और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन, जब दो अलग अलग कंपनियां मिलकर के एक नई कंपनी बन चुकी हैं, तो HR का ये बेसिकली काम था कि अलग अलग जितने भी रूल्स थे उन सभी को हटा करके एक नए कॉमन रूल्स बनाए जाए जिससे कि सभी एम्प्लॉयज उसको फॉलो कर सकें। ठीक है, तो अभी ये चीज़ क्लियर है। अब इसी तरीके से दोस्तों एक्विजिशन का एक एग्जाम्पल है, मान लो 2005 के अंदर आप लोगों ने ये चीज़ मान लो पता भी होगी आपको, कि नहीं भी पता होगी तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो कि गूगल ने क्या कर लिया था, एंड्रॉयड को एक्वायर कर लिया था, और इसी वजह से अब आप जब भी कोई भी जाते हो, कोई भी नया मान लो कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदने जाते हो, तो वहाँ पर आपको पहले से जो भी गूगल वगैरह होता है वो पहले से ही इनबिल्ड वहाँ पर मिलता है वो सॉफ्टवेयर। तो गूगल एक्वायर्ड एंड्रॉयड, ठीक है, तो अ मोबाइल सॉफ्टवेयर कंपनी, दिस एक्विजिशन अलाउड अ कंप्यूटर गूगल टू एक्सपेंड इट्स प्रेजेंस इनटू द मोबाइल इंडस्ट्री एंड डेवलप इट्स ओन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोन एज द एंड्रॉयड। ठीक है, तो यहाँ पर गूगल क्या बन गई, एंड्रॉयड की यहाँ पर ऑनर कंपनी बन गई। तो इस तरीके से, इसी तरीके से 2014 के अंदर फेसबुक ने क्या कर लिया, व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया, अ पॉपुलर मैसेजिंग ऐप, और $9 बिलियन के अंदर उसने क्या कर लिया था, इसको एक्वायर कर लिया था या फिर परचेज कर लिया था। ठीक है, फेसबुक ने व्हाट्सएप को। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है जिसको आप फ्रेम करके लिख सकते हो अपने जितने भी नो आंसर्स के अंदर, सो दैट कि आपका आंसर एक इफेक्टिव बन सके। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है तो उसको भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।